एबीसीडी आती है? हाँ। बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी भाई इंदौरी के चैनल में आपका स्वागत है। डे है 2। तो आज हम सुबह थे जंगल में मंगल। तो अभी टाइम हुआ है 6:30-7, पता नहीं कितना। आपने को क्या करना है टाइम से? तो दिन हो रहा है और ये आपको हम नज़ारे दिखाते हैं यहाँ पे। ये है जंगल, ये पूरा तालाब है और सामने देख रहे हैं ये पूरा जंगल है। यहाँ पे शेर चीता आता है, हाँ रैपिड आता है यहाँ पे। और अभी मिलने आ रहा है हमसे, बोले हरी भाई इंदौरी आए तो अब मिल के आ जाए। मिल के आएगा नहीं, लेके जाएगा। हमने तो नहीं जाऊँगा। मिलने आ नहीं रहा है, वो मिलने इसलिए आ रहा है कि आपके साथ में लेके जाएगा पूरी जिंदगी। हाँ, वो यहाँ पे सेफ जगह सिर्फ यहाँ पे है। ये यहाँ पे बैठ जाओ तो गए ना वैसे मकान पे, तो टाइगर यहाँ पे टाइगर शेर वगैरह जो भी है नहीं आते। हम अभी चाय बना रहे हैं, चाय बन रही है हमारी, आग भी जला ली है हमने। तो यहाँ का मौसम तो लाजवाब मज़ेदार। ये रात को आपने देखा था यहाँ पे सभा लगी हुई थी, आज फिर सभा लगेगी यहाँ पे। और स्वामी भयंकर जी जो है ना, उनको लग गई है क्या बोलते हैं प्रेशर लग गया है, तो अभी उससे दूध दूध लेके चाय बनाते हैं। ये वो आ गए बाबा भयंकर जी। अरे कैप्टन, बाबा जी वो कैप्टन, वो दूध और दोनों चाय। तो चाय बन गई आपको, जो कल बाबा जी से मिलाए थे ना, आज देखो कल धोती में थे, आज जो है बाबा भयंकर बाबा। हमारा नहाना हो गया और ये देखो, ये पूरा मेल घाट महाराष्ट्र का जंगल है। नेचर स्टडी कैंप जर्मन महाफालन लेकर आ गया वो, और मैंने बगैर किसी उसके मतलब कोई गुरु ज्ञान नहीं है, बस जुनून था तो सीख गया उसके। भाई हिरन खड़ा है, रुक जा, कुछ नहीं बोलेगा, आप अपनी जगह रुक जाओ, आपके आगे वाला राइडर रुक जाएगा, सब साथ में रुकेंगे, साथ में चलेंगे। इन केस बाइसन दिखता है, कोई बड़ा जानवर दिखता है, रोड के पास है, रोड के करीब है, उससे दूरी बना के रखना है। अपन टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जा रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। कहीं कोई हॉर्न नहीं बजाना है, किसी की कोई हॉकिंग हॉर्न अगर डिस्कनेक्ट कर सकते हो तो डिस्कनेक्ट कर लो। तो आज तो बहुत संभल के ही हमको चलना है, तो आई होप के कोई मिस मत होना, क्योंकि रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है। आप जब हॉर्न बजाओगे तो पता चल जाएगा भाई रुकना ही है सबको, एक गाड़ी ने भी अगर हॉर्न बजाए तो सब रुक जाएंगे। हमारे लीडर ने हमको ब्रीफिंग दे दी, तो अभी यहाँ से निकलते हम सीधे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, और मेरी गाड़ी ख़राब है थोड़ी, उसमें ऑयल वगैरह चेन को टाइट कराना है, तो मैं जब तक वो काम करा के ब्रेकफास्ट करा के आधे एक घंटे में जो है ना अपन जंगल की तरफ निकल जाएंगे। तो हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट पे, ये पूरा जंगल है, ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे सीधे सफारी पे। बाइक सफारी होगी, आपने कभी मेरे ख्याल में पहले ऐसी कभी नहीं देखी होगी। जान उसकी क्या है, वो भी शहर से जो है ना 8 किलोमीटर अंदर है, और ये भी पूरा डेंजर एरिया है, तो यहाँ पे भी रात को अलाउड नहीं है बाहर निकलना। चेन थोड़ी सी ढीली हो गई थी, क्योंकि अभी जंगल में जाएंगे तो चेन ऑयल वायल करवा देते हैं।
अच्छा पेट्रोल पंप जिस गांव में है ना, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से पेट्रोल बेचते हैं नॉर्मल लोग। 26 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप। हमारा नाश्ता लग चुका है, ये हमारे बाबा जी थे जो आपको दिख रहे थे, अब देखो नए रूप में आमलेट का आनंद उठा रहे हैं लंगर में लंगर टाइगर रिजर्व आ गया पूरा यहाँ से, और यहाँ से ना हॉर्न बजाना है ना क्या करना है, बिल्कुल सावधानी से चलना है। यहाँ से कुछ किलोमीटर पक्का रोड ही चलेगा, और हम जो है ना वन बाय वन जो है ना गाड़ी चलाएंगे, और पीछे भी नहीं देखना है, आगे भी नहीं देखना है, साइड में भी नहीं देखना है, आराम से गाड़ी चलाना है, और शोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हॉर्न बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर किसने भी एक ने हॉर्न बजाया ना तो पूरी गाड़ियाँ अपने आप रुक जाएंगी। तो वॉकी टॉकी है मेरे पास, और एक आगे लीडर को वॉकी टॉकी दिया, जिसको भी रास्ते में प्रॉब्लम आएगी तो उसको दे देंगे। चल गाय माता जी, तो ये जंगली गाय हैं, चरने आती हैं यहाँ पे। ये रोड पूरा पक्का है, 2 किलोमीटर रोड ऐसे ही चलेगा, और हमारे साथ में जो है ना फॉरेस्ट का आदमी है, साथ में चल रहा है, वो भी गाइड है, 2 गाइड हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। 150 किलोमीटर है यहाँ, 40 किलोमीटर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 किलोमीटर है, पूरा राउंड गोल घूम के आ जाएंगे हम। पूरा जंगल है यहाँ से कम 40 से 50 किलोमीटर कंटिन्यू यही रोड जंगल का है। तो अभी हम एंट्री करी हमने जंगल में, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं वह। और दुनिया तो बहुत ही डेंजर एरिया है, और वो है किलोमीटर और जाने के बाद ये रोड भी खत्म हो जाएगा, पूरा जंगल कच्चा रोड जलेगा आगे। तो हम जो है ना अभी जंगल के बीच में है, ये जंगल के बीच में एक गांव है छोटा, कौन सा गांव है? चोराकुंज गांव है। ये गांव कब बसा यहाँ पे? ये तो बहुत पुरानी है। अच्छा, बहुत पुराना गांव है, कुछ आइडिया नहीं आपको? अच्छा, ये बहुत पुराना गांव है, किसी ने यहाँ की हिस्ट्री बताई थी, वो आपको बताते हैं बाद में। ये गाँव देखो, ये इसके आस पास चारों तरफ जंगल है पूरा, और जंगल में एक मुर्गी। पूरा जंगल है और रोड ऐसे खतरनाक है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं रहा, आज तो रोड है ही नहीं ये वगैरह। ये पूरा जंगल जो है ना पूरा जंगल में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है ना आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, डर जाते हैं या हमला कर देते हैं। ये पूरा जंगल देखिए, पीछे हमारी बाइक आ रही है, सबके पीछे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ पे जो है ना सिर्फ सफारी और जिप्सी गाड़ियाँ ही चलती है, और क्या जंगल है यार, शांत, मज़ा आ गया जंगल में आते। तो ये जंगल में कोई भी नहीं आता है, किसी किसी को मालूम है कि यहाँ पे ये रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। रोड इतना खतरनाक है, रोड तो है नहीं, जो रास्ता है जंगल में बहुत ही खतरनाक है। तो हमारे पीछे जो बाइक वाले हैं ना,
दो से तीन, तीन से चार, चार जने गिर चुके हैं उठे हैं, फिर अभी एक और गिर गया। तो बहुत ही डेंजर 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 रास्ता है ये जंगल, देखो आप जब तक मिल चारोड़ी पता है, चारोड़ी का थोड़ी थोड़ी चारोड़ी होती है, दूध वगैरह इलायची 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 टाइप में दूसरी आती चारोड़ी, हम चारोड़ी हाँ चारोड़ी हाँ 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 कितना शांत है जंगल, किसी की आवाज़ नहीं आएगी, बर्ड की आवाज़ आएगी, और चीता वीता आ गया तो हमारी आवाज़ निकल जाएगी। अभी तो जंगल के अंदर जाना है और तो क्या खाने के लिए वहाँ तक चल सकते क्या? अभी जंगल में जा रहे थे तो जानवर खोदता है यहाँ पर क्या निकालते हैं? टर्माइट खाती है, टर्माइट गड्ढा दिख रही है तो ये अपन ये साथ में लेके आए डंडा, कोई जानवर आया ना अंडे से मारेंगे उसको। तो यहाँ आवाज़ भी बहुत ज़ोर से नहीं निकाल सकते, फॉरेस्ट एरिया है ना तो स्लो स्लो बात करनी पड़ती है। ये पूरा जंगल है, मेल घाट जंगल बोलते हैं इसको। ये जंगल जो है इधर 18 किलोमीटर बॉर्डर है और इस साइड जो है ना कंटिन्यू सतपुरा जो अपना जंगल एमपी का आता है ना तो ये कंटिन्यू उससे टच में है पूरा। तो बहुत बड़ा जंगल है, आपको बिल्कुल शांति यहाँ पे। अभी अभी दो चार साल तक यहाँ पे अलाउड है यहाँ पे आना, उसके बाद पूरा बंद हो जाएगा। जंगल का सुकून ही अलग है यार, मज़ा आ गया। अल्फा 1 2 3 ओके, ऑल ओके, अल्फा 1 2 3। हाँ एक आपको किंग फिशर छोटा बर्ड दिखा, वो अंदर अंदर गया, वो अंदर पत्थर पे बैठा दिखा आपको दिखा? हाँ हाँ वो रहा, कौन सी बर्ड है? किंग किंग एक इंसान ने मेरे को याद आ रहा रात को बोला था मेरे को तो ये पूरा कोर जंगल आ गया है। यहाँ पे तो रोड भी नहीं है, अब देखो ये सिंगल रोड है, ये यहाँ तो रोड भी नहीं है, बहुत ही डेंजरस एरिया है। तो भैया बोल रहे हैं कि सावधानी से गाड़ी चलाना, रुकना नहीं है, बस हमारे पीछे पीछे आना है। अभी जो है ना जंगल के जो अंदर रोड था ना उसके भी हमने क्रॉस करके और घरे घने जंगल में जा रहे हैं। पूरा जंगल है यहाँ पे, ये जो घना जंगल और एक रोड उस साइड चला गया। अभी तक हमको जानवर तो कोई नहीं दिखा है, दिखेगा दिखेगा, उम्मीद तो यही है। तो अभी जो है ना एक स्पॉट आ गया एनिमल्स का, यहाँ पे एनिमल्स आते हैं तो हम यहाँ रुके हैं। अभी बाइकर्स भी आ रहे हैं यहाँ से, देखते हैं।
मुझे लगी थी बहुत भूख, सब गाड़ियां जा रही हैं आगे, हमको दिख गए भाई साहब केले वाले। केले छोटे हैं सर, चल जाएंगे, सब चलेंगे, अंदर जाना चाहिए बस पेट में। मीठे तो है ना? मीठे हैं सर। क्या भाव है? 20 रुपये। 20 रुपये दर्जन? तो 2 दर्जन दे दो, 8, 8, 16, 24 दे दो, 24 2 दर्जन हो जाएंगे ना, 24। चलो भैया केले वेले खाते हैं, हम जंगल में हम केले खाते हैं। जानवर नहीं दिख रहा है कोई भी? जानवर नहीं है ना सर यार। नहीं है? देखो छोटे बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? लो क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? ABCD आती है? हाँ। बताओ। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाह वेरी। आप बताओ। अरे वो नहीं बोलता, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में बताओ। नहीं आता आंगनवाड़ी? अभी किसी गांव में आए हैं, यह है वन विश्राम गृह परिक्षेत्र हाथरू में आए हैं। हाथरू में, तो हाथरू में कुछ है देखने के लायक, तो दिखाते हैं हम आपको क्या है। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है ना रेस्ट हाउस था, ये देखिए किसी ज़माने में यहाँ पे ब्रिटिश रहा करते थे। ये इनका वाशरूम, ये टोटली गांव है, जैसे गांव में ब्रिटिश लोग आए थे ना, तो यहाँ की, यहाँ कोई रह रहा है अभी? कोई रह रहा है यहाँ पे? आठ ये कुछ है, मैडम है। मैडम है? अच्छा वो जो मैडम बात करे। रूम में कोई ना जाना अंदर। कल तो हो गया है भैया, क्यों क्या हो गया? ये सफाई कर रहा है। अरे अंदर मत जाओ। जवान थक गए यहाँ पे? नहीं थके नहीं, नहीं हम तो नहीं थके, हमें थका हुआ ना, ये सब हमारा जवान थक गए। देखो ये हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। इसके जूते निकल आए, इनके ये सिगरेट पी रहा है। मैं कहाँ सिगरेट पी रहा हूँ? अरे ये सिगरेट पी रहा है, वो देखो जा रहा है, उसके पास भी नहीं है सिगरेट। अरे वो गया इधर, चलो ढूंढ के आते हैं, उससे लेके आते हैं। इनसे बाइट लो, इनसे आपके खास दोस्त भाई है क्या? सिगरेट बॉडी दिखाना, सिक्स पैक है, बन गया देना है, पैक है, काम करवा दे। अभी फैमिली पैक है, सिक्स पैक बन गया। तो हम यहाँ पे रुके अभी चाय पीने के लिए, तो हम बच्चों से बात करते हैं। ये बच्चा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, हाँ।